मॉम, फादर कांटी, मुझे सोने दीजिए ना। मैं आप लोगों की वजह से पहले दिन ही लेट नहीं होना चाहती। वही तो बेटा, तुम्हारी जॉब कैसी है? तुम्हारे पापा ने मुझे पूरी जानकारी उन्हें बताने के लिए कहा है। तुम्हारी किसी भी बहाने का यकीन मत करो कहा है, समझ गई मेरी बात? और उन्होंने ये भी कहा है कि तुम्हारी तनख्वाह कितनी है ये भी जान लूं और तुम्हारा गुजारा कैसे होगा। हाँ, मुझे आपका सारा भाषण समझ आ गया। हाँ, प्लीज जो पूछना है जल्दी पूछिए, मुझे सोना है। जरा बताओ कि तुम वहां पर करती क्या हो? मैं जनरल मैनेजर की असिस्टेंट की असिस्टेंट हूँ। झूठ मत बोलो, कुछ भी बकवास मत करो मुझसे। असिस्टेंट की असिस्टेंट ऐसी नौकरी होती है क्या? मॉम, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? सैलरी आएगी तब पता चल जाएगा। सारे भत्ते, इंश्योरेंस, मेडिकल। जी जी जी, हाँ हाँ, फदे कांटी, सब ए बी सी डी सब। ये किस तरह की कंपनी है और आखिर काम क्या होता है वहाँ पर? मेरा काम फैशन और टेक्सटाइल का है, मैं कपड़े डिजाइन करती हूँ। कंपनी कितने साल पुरानी है? नई है क्या? इस साल उनकी कंपनी को 40 साल हो जाएंगे। यानी 40 साल पूरा करने की खुशी में पार्टी जरूर देंगे। बिल्कुल सही कहा। इस साल मुनाफा कितना हुआ? मेरा मतलब स्टॉक मार्केट में इनका वैल्यू क्या है? नहीं, इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या ख्याल है उनकी? कुछ तरक्की करने की सोच है उनकी या नहीं? कंपनी का एजेंडा क्या है, या फिर आज खुली और कल बंद हो गई? हंसो मत। अरे हंसो नहीं तो और क्या करूं आंटी, मैं तो वहाँ बस काम करने जा रही हूँ, जॉब करने जा रही हूँ, खरीदने नहीं। अरे मेरी बेवकूफ बच्ची, इतनी भोली क्यों हो तुम? खुदा ना करे अगर उनका दिवाला निकल गया और तुम्हें बिना बताए जॉब से निकाल दिया तो? तुम्हारे पापा ने ये सब पूछने के लिए कहा था। मैं तो इसीलिए पूछ रही हूँ कि अगर कंपनी मुनाफे में नहीं है तो वहाँ काम नहीं करना चाहिए। प्लीज उनसे कहिए कि वो मेरी फिक्र ना करें, मुझे भले बुरे की अच्छी समझ है। और उनसे कहिए हयात को एक अच्छी जॉब मिल गई है, लेकिन आपने अगर इंटरफेयर किया तो वो भी चली जाएगी। अब हो गया हो तो मैं सोने जा सकती हूँ। गुड नाइट एवरीवन।